स्वयं गलत होकर ठीक की बात करना, स्वयं चरित्रहीन होकर सदचरित्र की बात करना, वो कभी भी किसी के काम नहीं आता, उल्टा उससे बुराइयां बढ़ती। ये व्यवहारिक दृष्टि से अनुभव किया है कि अंदर अगर झूठ है और बाहर से मैं सच बोल रहा, आसपास में सब आपके अव्यवस्था है, जो यहाँ होना चाहिए वो वहाँ है, जो वहाँ होना चाहिए वो यहाँ है। ऐसी वातावरण में बैठकर व्यवस्था की बात करना, वो उल्टा असर होता है, उससे अव्यवस्था फैलती है, व्यवस्था नहीं। जिन लोगों ने सत्य का प्रचार किया, उनके जीवन को ध्यान में रखो, उनकी बातों को नहीं। उनकी बातें तो सबने याद कर रखी हैं, लेकिन उनका जीवन कैसे था, चाहे वो आधुनिक युग के लोग क्यों ना हुए हों, जिस जैसे हम कई बार महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और विनोबा भावे आदि के नाम लेते हैं, कि इस युग में भी उन्होंने सत्य का, अहिंसा का प्रचार ही नहीं किया, व्यवहार में भी अपने ढाला और उसमें उनको सफलता मिली। तो लोग प्राचीनता के नाम पर सिद्धांतों को छोड़ते हैं कि ये बड़ा प्राचीन है, बहुत पहले की बात है, अब नया टाइम आ गया है, नया जमाना आ गया है, इसके साथ हमें चलना चाहिए। तो इस बात के लिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंसान की जो आधारभूत स्वभाव में बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि, ये आज से हजारों साल पहले भी ऐसे ही थे और ये आज भी वैसे ही हैं। इसलिए जो आज से हजार साल पहले इनका इलाज था, जो इनकी औषधि थी, वही औषधि आज भी है। अगर हम उसे नहीं अपनाते, आधुनिक समय के अनुसार कुछ करते हैं, तो उससे बड़ेगी चरित्रहीनता और सत्य की ओर कोई जा नहीं पाएगा, सब के सब झूठ में फंसे रहेंगे। हम ये कहें कि नारद भक्ति सूत्र में जो भक्ति की बात की, आज वो भक्ति नहीं है, तो ये बात देखो, भक्ति वही है जो नारद जी कह गए, भक्ति वही है जो शांडिल्य ने कह दी, परानुरक्ति ईश्वरा, ईश्वर में परा अनुरक्ति। तो इस तरह से ईश्वर में परा, अपरा नहीं, ऐसे ही नारद जी उसको परम प्रेम रूपा कहते हैं, प्रेम नहीं परम प्रेम रूपा, वो आज भी वैसे ही है। तो इसके लिए गुरु का सानिध्य, गुरु के सामने बैठकर अभ्यास करना ही सफलता देता है। ये ऑनलाइन वाली बातें नहीं हैं, पढ़ाई जैसे हो गई है अब ऑनलाइन हो रही है, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों या वो प्राइमरी के विद्यार्थियों, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है फोन पर, लेकिन भक्ति, ज्ञान, कर्म मार्ग आदि ये ऑनलाइन नहीं हो सकते, ये गुरु के सानिध्य में ही, गुरु की देखरेख में ही आप अभ्यास करें, तभी इसमें सफलता मिलती है, तभी इसमें थोड़ा रास्ता मिलता है। तो इसके लिए समय निकाल कर आश्रम में आना और गुरु
के सानिध्य में रहकर या किसी अनुभवी महापुरुष के पास रहकर फिर उसका अभ्यास करना, यही सफलता देता है और कोई सफलता का रास्ता नहीं। ओम।